आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों के पास प्रश्न है, 0.965 एम्पियर सामर्थ्य की एक धारा को 5 घंटे के लिए संगलित AlCl3 के अधिकत्व में से प्रवाहित किया जाता है, एसटीपी पर कितने लीटर क्लोरीन मुक्त होगी। ठीक है, तो हम लोगों से कितना क्लोरीन बनेगा ये हम लोगों से पूछा गया है, वो भी उसका आयतन हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक, अब देखिए, समय हम लोगों के पास दिया गया है 5 घंटे और धारा हम लोगों के पास दिया गया है 0.965। तो अब हम लोग पढ़े हैं क्या, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम क्या होता था ये नियम, तो किसी भी पदार्थ का अगर हम लोग क्या कराते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं, तो कितना द्रव्यमान जाकर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होगा ये चीज हम लोग बता सकते हैं। क्या था सूत्र, तो W बराबर था हम लोगों के पास Z गुड़े I गुड़े T। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास सूत्र था। अब इसी सूत्र पे हम लोग निकाल सकते हैं, जहाँ पे W क्या होता है तो द्रव्यमान जो एकत्रित होगा इलेक्ट्रोड पर, Z क्या होता है तो ये नियतांक है, I है धारा और T जो है वो है समय। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे, तो W किसका, वो भी Cl2 का। तो Z का अगर हम लोग रखें तो Z बराबर क्या होता है, तो जो भी आपका क्या हो परमाणु द्रव्यमान हो, तो वो हम लोग लिख दें परमाणु द्रव्यमान 35.5 क्लोरीन का, और बट्टे में क्या होता है, तो जो भी आवेश हो, तो क्लोरीन के ऊपर एक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है, तो हमें साइन नहीं लिखना है, हमें बस नंबर लिखना है, तो एक हो गया। ठीक है, और ये हम लोगों को फैराडे में आवेश लिखना था, तो एक गुणे क्या हो जाएगा 0.965, ये Z का मान हुआ। अब I धारा हम लोगों के पास दिया गया है 0.965, तो उसको हम लोग रख दें, तो गुणे 0.965, और गुणे देखिए समय, तो समय हमेशा हम लोगों को किस में रखना होता है, सेकेंड में, तो सेकेंड के लिए हम लोग क्या करें, अब यहाँ पे घंटा में दिया है तो उसको भी हम लोग गुणा करेंगे, एक घंटे में होता है 60 मिनट और एक मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो ये हो गया, यहाँ से हम लोगों को द्रव्यमान पता चल जाता है, क्या आता है वो 6.39, और ये क्या है ग्राम में। ठीक है, इतना ग्राम क्लोरीन का क्या होगा, एकत्रित होगा इलेक्ट्रोड पर। अब देखिए, अब हम लोगों को पता है ये क्या बोला गया था, एसटीपी पर हम लोगों को देखना है, तो एसटीपी पर 1 मोल Cl2 है ना, हम लोग लिखें एसटीपी पर क्या होता है, 1 मोल जो होता है, 1 मोल Cl2 का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है ना। अब 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, तो 71 ग्राम, मतलब 71 ग्राम का आयतन हुआ कितना, 22.4 लीटर। तो 6.39 ग्राम का आयतन कितना होगा, तो इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, 22.4 बटा क्या हो जाएगा 71, है कि नहीं, और गुणे में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, गुणा में हम लोग करना पड़ेगा 6.39। तो अब इसको भी हम लोग ज्ञात कर दें, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाता है 2.016, और ये क्या होगा लीटर, है ना, इतना आयतन जो होगा वो Cl2 का निकलेगा। अब देखिए विकल्प में, तो पहला ही विकल्प ये दिया गया है ना, मतलब उत्तर जो हो गया हम लोगों का क्या हो गया, पहला विकल्प। ठीक है, धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।